नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रीवा जिले में चल रहे कार्यों तथा उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। राज्य सरकार जन कल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगी। प्रदेशवासियों की जिंदगी बदलने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विकास और जन कल्याण गतिविधियां जारी हैं। जनप्रतिनिधि प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना से इन्हें संचालित कर आदर्श प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से प्राप्त हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव वर्चुअली शामिल रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए रीवा जिले में शुरू किए गए किलकारी अभियान की उपलब्धि, सीएम हेल्पलाइन और स्वच्छता में बेहतर कार्य के लिए जिलाधिकारियों को बधाई दी। किलकारी अभियान में विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर पर हाई रिस्क गर्भवती माताओं को दर्ज कर उनकी आवश्यक स्वास्थ्य जांचें तथा समय रहते आवश्यक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करके उन्हें आवश्यक होने पर खून चढ़ाया गया है। किलकारी अभियान के कारण गर्भवती महिलाओं की जांच में रीवा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान में पहुंच गया है। रीवा जिला बसों में VRTD उपकरण तथा पैनिक बटन लगाने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन में अब तक मात्र 32% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने पर कलेक्टर से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। बताया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदार पर 9 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले में मिशन के कार्य अधिक हैं और अमले की कमी है। समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए अन्य तकनीकी विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जाए। अधिकारी गांवों में जाकर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करें, परीक्षण करें, जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए जन सहभागिता से मिशन की गतिविधियों को पूर्ण किया जाए। इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में हमें हर घर तक जल पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के दुरुपयोग पर नजर रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में अनुचित राशि की मांग करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए। बताया गया कि अनुचित राशि की मांग के संबंध में सीएम हेल्पलाइन 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया गया है और 300 रोजगार सहायकों का 1 सप्ताह का वेतन काटा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक जिला एक उत्पाद में रीवा में सुंदरजा आम की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तथा इसकी प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित कर उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार करने के निर्देश दिए। बताया गया कि एक जिला एक उत्पाद में हल्दी और बांस से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिले में 1500 किसान प्राकृतिक खेती की दिशा में सक्रिय हैं तथा ज्वार और कोदो को रकबा बढ़ा रहा है। कोदो की प्रोसेसिंग की दिशा में भी गतिविधियां जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधायक तथा जनप्रतिनिधि अपनी अपनी कृषि भूमि के एक भाग में प्राकृतिक खेती से उपज लें, इससे जिले के अन्य किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। बताया गया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जिले में प्राप्त 2 लाख आवेदन में से 1,93,000 आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नशे की गतिविधियां संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। जिले में नशे के विरुद्ध अभियान में 202 प्रकरण बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा एक हुक्का बार बंद किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता पर 10 FIR और 2 कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही 4 विक्रेताओं को सेवा से पृथक किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान रीवा के हनमना क्षेत्र में फर्जी विद्युत कनेक्शन देने वाले एक सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्युत आपूर्ति से संबंधित 10,416 शिकायतें प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार रखरखाव और ओवरलोड का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं करना विभाग की जिम्मेदारी है। बिजली के उपयोग और समय पर बिल भुगतान के लिए लोगों को जागरूक करने अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में जारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एनआईसी केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विधायक गुरनागेंद्र सिंह, विधायक त्योथर श्याम लाल द्विवेदी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल तथा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर ने एनआईसी केंद्र से कमिश्नर अनिल सुचारी, एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए।